हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। सोशल साइंस इज इन सर्च ऑफ पीस बुद्धा एंड महावीर, मतलब कि शांति की शोध में चले थे कौन, तो बुद्धा और महावीर। तो शुरू करते हैं। इन द 6th century BC इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स वेर डन इन अ सोशल एंड रिलीजियस सेक्टर्स इन इंडिया। In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered the social and religious areas. Along with it, they also worked for a removal of social inequalities and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. मतलब कि 6th शताब्दी ईस्वी सन भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। 6th शताब्दी में कुछ सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम किया जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए भी काम किया। अनैतिकताएं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी मुख्य है। हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन, उनकी खोज और उनके द्वारा मानवता को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम गौतम बुद्ध स्टार्ट करते हैं। वी ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म फ्रॉम झटक कथा एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक। अबाउट 550 झटक स्टोरीज एसोसिएटेड विथ प्री बर्थ ऑफ बुद्धा। देर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिल वस्तु इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। वाइल गोइंग टूवर्ड्स नेपाल, द क्षत्रियज ऑफ कपिल वस्तु वेर कॉल्ड शाक्यज। इट वॉज अ रिपब्लिक। सुदोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक। माया देवी वॉज वाइफ ऑफ सुदोधना। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन अ हाउस ऑफ सुदोधना एंड माया देवी इन 566 BC। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। देयरफॉर ही वॉज नर्चर्ड बाई गौतमी महाप्रजापति हु वॉज हिज फोस्टर मदर। यानी कि हमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सी जानकारी जातक कथा से एक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में प्राप्त होती है। लगभग 550 जातक कहानियां बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। नेपाल की ओर जाते समय हिमालय की तलहटी में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। कपिलवस्तु के क्षत्रियों को शाक्य कहा जाता था। यहाँ एक गणतंत्र था। शुद्धोधन इस गणतंत्र के प्रमुख थे। माया देवी शुद्धोधन की पत्नी थी। गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी सन पूर्व सुदोधन और माया देवी के घर में हुआ था, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके जन्म के कुछ दिन के बाद उनकी माँ माया देवी का निधन हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण गौतमी महाप्रजापति ने किया जो उनकी पालक माता थी। From young age, Siddharth was associated with education and knowledge. Next to Kapilvastu, there was a monastery of a saint named Alara Kalam. Alara Kalam was his guru. Siddharth went to his ashram. Here he did meditation. Siddharth's father was worried as he continued to discuss knowledge and samadhi. He was worried if Siddharth would become a monk. Siddharth was married a young age. His wife's name was Yashodhara. He also had a son named Rahul. युवावस्था से ही सिद्धार्थ शिक्षा और ज्ञान से जुड़े थे। कपिलवस्तु के बगल में अलारा कलाम नामक एक संत का मठ था। अलारा कलाम उनके गुरु थे। सिद्धार्थ अपने आश्रम गए। यहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया, मतलब कि ध्यान किया। सिद्धार्थ के पिता चिंतित थे क्योंकि उन्होंने ज्ञान और समाधि की चर्चा जारी रखी। उन्हें चिंता थी कि अगर सिद्धार्थ साधु बन जाएंगे तो।
सिद्धार्थ की शादी कम उम्र में हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका राहुल नाम का एक बेटा भी था। होम सेक्रीफाइस एंड साधना। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट एंड बिकम अ सेंट हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। वन नाइट ही टुक हिज चैरियोटियर चना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट। लिविंग हिज रॉयल अटायर ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चना एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक कंथक अलोंग विथ हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस। ही हिमसेल्फ वोर एसिटिक क्लॉथ्स ऑफ द हर्मिट एंड वॉक्ड टूवर्ड द जंगल। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शाही परिवार और राज्य को त्यागने और सत्य की खोज में एक साधु बनने का फैसला किया। एक रात वह अपने सारथी मतलब के साथी चन्ना और घोड़े कंठक को लेकर अपने राज्य के बाहर नदी तट पर आ गए। अपनी शाही पोशाक मतलब कि जो राजा जैसे कपड़े पहनते हैं वो पोशाक को छोड़कर उन्होंने अपना सारा आभूषण मतलब कि सारी ज्वेलरी चन्ना को दे दिया और उसे कंथक को अपने साथ ले जाने को ऑर्डर दिया। उसने खुद ही साधु के तपस्वी वस्त्र पहने और जंगल की ओर चल दिए। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगृह एंड देन टू पुरुवेला। हियर ही स्टार्टेड पेनेंस विथ 5 ब्राह्मिन्स। ही फेल्ट दैट गिविंग अप फूड एंड वॉटर टू अ Tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human being. Leaving 5 Brahmis, he decided to do penance alone. अपने घर को छोड़ने के बाद वह राजगुरु और फिर पुरवेल गए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि भोजन और पानी त्यागने और शरीर को पीड़ा देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आत्म चेतना और इच्छा पर विजय प्राप्त करना मानव का प्रमुख कर्तव्य है। 5 ब्राह्मणों को छोड़कर उन्होंने अकेले तपस्या करने का निर्णय लिया। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधी गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट। आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डेज ऑफ वैशाख पूर्णिमा। ऑन अक्वायरिंग नॉलेज ही बिकम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ। बुद्धा मीन्स कॉन्शियसनेस और वाइस। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्धा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने सत्य और ज्ञान की साधना शुरू की। कई दिनों की साधना के बाद उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने पर वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागरूक या फिर बुद्धिमान। बाद में उन्होंने गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। प्रीचिंग। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मीन फ्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ही प्रीच्ड टू दोज 5 ब्राह्मिन्स मॉन्क्स एट सारनाथ। बुद्धास दिस फर्स्ट प्रीचिंग आर कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्धा गेव वेरी सिंपल सर्मन टू गेट रीड ऑफ द माइजरीज ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू हिम देर वॉज 4 आर्य ट्रूथ्स। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरीज। द कॉज ऑफ सफरिंग इज अ ग्रीड और अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज अ रिन्यूशिएशन ऑफ डिजायर। अडॉप्शन ऑफ octagonal path eliminated desire. These 4 truth explained by Buddha are known as a Buddhist principles, also known as a samyak darshan. आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए जहां वे अपने पुराने ब्राह्मण मित्रों से मिले। पहली बार उन्होंने सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। बुद्ध के इन पहले उपदेशों का धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सरल उपदेश दिया। उनके अनुसार
चार आर्य सत्य है। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, दुख का कारण लोभ या प्रलभ इच्छा है। तीसरा, दुखों का विनाश इच्छा का त्याग है। चौथा, अष्टकोण मार्ग का पालन इच्छा को खत्म करता है। बुद्ध द्वारा समझाया गया ये चार सत्य बौद्ध सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें सम्यक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। बुद्धा इज अ ग्रेट रिफॉर्मर। बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ही वर्कड लाइफ लॉन्ग एंड एलिमिनेट द पोल्यूटेंट इन रिलीजियन एंड सोसाइटी। ही हैड मेनी डिस्पल्सिस, मेनी किंग्स एंड स्टेट वेयर encouraged by his human religions, he did the following forms. बुद्ध एक महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने धर्म और समाज में प्रदूषकों को खत्म करने के लिए जीवन भर काम किया। उनके कई शिष्य थे। कई राजाओं और राज्यों को उनके मानव धर्म द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। First, denial of God and a soul. बुद्ध डिनाइड गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस टू कर्मेसी। मतलब कि जो बुद्ध है उन्होंने भगवान और आत्मा को त्याग किया और महत्व किसको दिया, तो कर्मश्य को। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ देर वॉज अ गॉड, सोरो वुड नॉट हैव बीन देयर। इंस्टेड ऑफ इंगल्जिंग इन वेलफेयर ऑफ सोल, वन शुड लिव अ वर्चुअल लाइफ इन प्रेजेंट। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा का खंडन किया और कर्मवाद को महत्व दिया। उनके अनुसार यदि ईश्वर दुख होता तो जीवन होता ही नहीं। आत्मा के कल्याण में लिप्त होने के बजाय वर्तमान के पुण्य जीवन में जीना चाहिए। ओपोजिशन ऑफ रिचुअल्स। ही ओपोज्ड रिचुअल्स परफॉर्म्ड इन हिंदुइज्म एंड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल इन द यज्ञस। He said that non-violence is the highest value. The greatest duty of all human beings is to treat animal non-violently. उन्होंने हिंदू धर्म में किए गए अनुष्ठानों और यज्ञों में पशुओं के बलिदान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अहिंसा सर्वोच्च मूल्य है। सभी मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो जानवरों के साथ अहिंसात्मक व्यवहार करना है। अगर वो ये अहिंसात्मक व्यवहार करे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, अगर हिंसा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। मतलब ऊंच नीच का भेदभाव है, उनका विरोध किया है बुद्धा ने। एट दिस टाइम हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इंटू फोर वर्णस, ब्राह्मीन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। बुद्धा ओपोज्ड दिस वर्ण सिस्टम। ही सेड बींग बॉर्न इन अ हाई फैमिली डज नॉट मेक एनीवन ग्रेट। He becomes a great by his deed, by his consciousness, by following the path of truth and non-violence. He highly opposed the discrimination of high and low prevailing in the society. इस समय हिंदू धर्म चार वर्णों में विभाजित था, ब्राह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बुद्ध ने इन वर्णों व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च परिवार में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता, वह अपने विवेक से, सत्य से और अहिंसा के मार्ग पर चलने से महान बन सकता है। उन्होंने समाज में प्रचलित उच्च और निम्न के भेदभाव का भी बहुत विरोध किया। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन। बुद्धा गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वुमन एज टू मैन। ही सेड दैट द पाथ ऑफ निर्वाण इज नॉट ओनली फॉर मैन, वुमेन कैन ऑल्सो अचीव निर्वाण थ्रू साधना एंड ब्यूटी। बुद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के समान महत्व दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाण का मार्ग केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाएं भी साधना और कर्तव्य के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर सकती है।